बारिश का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को अधिक बढ़ाता है और इसे चिरकाल तक आबादित रखने में सहयोग देना यह सभी मानव जाति का कर्तव्य है। इस महत्व को जानते हुए प्रादेशिक उप परिवहन कार्यालय पूर्व में पौधा रोपण किया गया। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति की सुंदरता निखर आती है और ऐसे मौसम में यही सुंदरता टिकाए रखना जरूरी है, जिसके चलते कई संगठनाएं अपने अपने चैतन्य भाव के जरिए वृक्षारोपण का महान कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय पूर्व नागपुर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशफाक अहमद के नेतृत्व में लगभग 20 से 25 पौधे लगाए गए। इस समय विशेष रूप से एआरटीओ रविंद्र राठौड़, राहुल चौधरी, तेजस देशमुख, अटल सर, चैताली मैडम, झड़े सर, सलीम मंसूरी आदि सभी क्रू मेंबर उपस्थित थे। जानकारी देते हुए सलीम मंसूरी ने बताया कि ऐसे अन्य कार्यालयों में भी वृक्षारोपण किया जाने वाला है ताकि सृष्टि की हरी सुंदरता सलामत रहे। आज परिवहन उप परिवहन कार्यालय में उप अधिकारी अशफाक अहमद के साहब के हाथों से तकरीबन 20 से 25 झाड़ लगाए गए हैं और ये झाड़ लगाने की मुहिम पूरे शहर में हर कार्यालय में भी चालू होंगी। ये पहला झाड़ जो है परिवहन कार्यालय के प्रादेशिक परिवहन उप अधिकारी अशफाक अहमद साहब के हाथों से लगाए गए हैं। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष डेमरी की रिपोर्ट।